अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका वेलकम बैक है मेरे चैनल हैशटैग क्वीन शारिफा असलत के चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह से। फाइनली वो दिन आ गया है जब बेबी की ईदी जा रही है, फर्स्ट ईदी जा रही है। तो आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज का सारा जो मेरा व्लॉग होगा वो सब कुछ अरेंजमेंट के ऊपर होगा, अरेंजमेंट के ऊपर ही इसका कंटेंट होगा। तो आप लोगों के साथ मैं सारा शेयर करने वाली हूँ कि क्या मैंने किस तरह से कैसे अरेंजमेंट किया है और किस तरह से मैंने शॉपिंग की है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा अरेंजमेंट्स, मेरी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर भी करिएगा और बेल का बटन भी दबाइएगा। अभी घड़ी में से सुबह के पाँच बज रहे हैं और बाहर देखिए सब जगह रोशनी ही रोशनी हो गई। कोलकाता में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी है, कुछ कर नहीं सकता इंसान दोपहर के समय। तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के वक्त में बरकत होती है किसी भी काम को करने में। इसलिए इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा पीसफुल माइंड हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं फ्रेश माइंड में, तो फ्रेश माइंड में जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने ट्रे रख ली है और सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेंस किट का अरेंजमेंट है। ये सारा सामान जो है मेंस का ही प्रोडक्ट है, इसको मैं अच्छे से जल्दी से क्विकली यू अरेंजमेंट करके आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने हेड एंड शोल्डर है, ये लव्स का अल्कोहल फ्री है, मेंस का ये वाइल्ड लाइफ है। आपने तो सब अच्छे से देखा, फेयर एंड हैंडसम है, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया है। मुझे इतना आइडिया नहीं था लेकिन मैंने कोशिश की, देखते कैसे होता है। तो आप बने रहिएगा। एंड फाइनली मेरा मेंस किट जो है रेडी हो चुका है। देखिए गाइस मैंने कैसे इसको अरेंज किया है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा अरेंज। ये है खान ड्रेस का मटेरियल, ये खान ड्रेस का मटेरियल है जो मैं लेकर आई थी GS मोहम्मद अली से, बहुत कोलकाता की बहुत बड़ी शॉप और प्लस पुरानी शॉप है। इसके साथ मैं एक ये लेकर आई हूँ शर्ट पैंट का कपड़ा, ये शर्ट पैंट का पीस है, ये पैंट है ये शर्ट है। मुझे हमें ऑलवेज लाइट कलर ही पसंद है और उनके ऊपर लाइट कलर ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लिया। अब मैं इसकी जल्दी से आपको पैकिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दूसरी ट्रे भी, ड्रेस की ट्रे जो है हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाते हैं तीसरी ट्रे की तरफ, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जैसे कि दादा। और आप लोग ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, बट इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो कैमरे में या मैं इसको अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ कैप्चर, लेकिन ये मटेरियल बहुत अच्छा है। जब इंशाल्लाह बेबी पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेबी सर, अच्छा है कि नहीं है? बेबी आपकी पसंद का है ना, आपको पता ही है ना मैंने कितनी कोशिश की है। आई एम अ गुड गर्ल। तो चलते हैं। ये गाइस है तीसरी ट्रे। थर्ड ट्रे में मैं सोच रही थी कि जूसेस को पहले अरेंजमेंट अच्छे से कर लूँ, कॉफ़ी जूस रोबसा सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करके इसमें सजा देती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके। अल्हम्दुलिल्लाह जूसेस की ट्रे भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा अपना दिमाग दिया है, कोशिश करी इसको अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से डेकोरेट करके रखने की। अब हम लोग जाते हैं जल्दी से नंबर फोर्थ में। ये था नंबर थ्री। फ्रेंड्स ये है मेरी फोर्थ ट्रे और फोर्थ ट्रे में मैं जा रही हूँ बनाने के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने स्टाइल से अपने दिमाग से सोचा और मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा सूपी सा मैं बनाती हूँ, थोड़ा जंक फूड का मैंने सोचा बना के ट्राई करती हूँ कि कैसा हैम्पर तैयार होता है। तो गाइस चलते हैं जल्दी से बनाते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं और फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जंक फूड का कैसा है। यहाँ पर मैंने फालूदा भी ऐड कर दिया क्योंकि जंक फूड खाएंगे तो प्यास लगेगी, तो इसको भी खाएंगे। ये है लेज एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुशक्क़त के साथ ये मेरा गिफ्ट हैम्पर फाइनली बन गया गाइज। इसमें बड़ी मेहनत लगी, पता है ये बहुत बार मेरे से टूटा है, लेकिन मैं भी बहुत स्टबर्न हूँ। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसी को लगाऊंगी, मैं वेस्ट करूंगी ही नहीं। कैसा लग रहा है ये? आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, पता नहीं बेबी को अच्छा लगे, कैसा लग रहा है पता नहीं। बड़ी मुशक्कत हुई इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा मुशक्कत हुई, लेकिन फाइनली बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे अच्छा। नाउ फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू रेडी फिफ्थ ट्रे। इसमें मैंने सोचा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ तीन चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ये है खजूर, और ये है हाजी अलाउद्दीन का लच्छा, और ये एक हमारे यहाँ नई शॉप सिकंदर स्ट्रीट में खुली है जमजम स्वीट करके। तो मैंने सोचा चलो इसका खजला देखते हैं, ट्राई करते हैं, अब इसमें इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह ये जल्दी से क्विकली बनेगा। देखते हैं इसको कैसे मैं तैयार करती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फिफ्थ ट्रे भी हमारी रेडी हो गई है गाइस। देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है ये ट्रे भी, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से। अब जल्दी से इसको भी हटा देते हैं, और अब जाते हैं नेक्स्ट फाइनल वाले में अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आ गया करने में, बड़ा अच्छा लगा ये सब, इतना ढेर सारा फैल गया है ओप्स, लेकिन ये गाइस बड़ा मज़ा आया करने में, ये देख सकते हैं आप। अभी बस दो ट्रे और बाकी है करने के लिए, ये दो ट्रे हैं, इसको करेंगे और फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। गाइस अब ये छठी ट्रे है, और इस सिक्स ट्रे में मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं, मैं इसमें ड्राई फ्रूट सजा के रखती हूँ। तो पहले मैंने बहुत कोशिश किया इसमें कुछ कुछ बनाने का, अपना दिमाग लगाने का, बट इतना टायर्ड हो गया ना कि अब मेरे से ना कुछ बन ही नहीं रहा। देख रहे इतना फैल गया है कि मैं से कुछ बहुत कोशिश की मैंने बनाने की, ये सब कुछ ट्राई किया कि ये सब कुछ बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से ना कुछ अभी ना मेरा दिमाग ही नहीं चला, तो इसलिए मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया। देखिए कितना मैंने तामझाम हिलाया, फिर अल्टीमेटली मैंने सोचा चलो इसको पैकेट्स करते हैं, और पैकेट्स में करते देखिए मैंने सब कुछ कर लिया। अब इसको जल्दी से सजा कर डेकोरेट करके आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर आप मुझे बताइएगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है प्लीज़ जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, यही दुआ है। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद ड्राई फ्रूट्स भी हमारा रेडी हो चुका है। पता नहीं ये कैसा है, ठीक है अच्छा लग रहा है, नाइस। थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा था, इसके पीछे ना रखिए ग्रे कलर की रस्सी लगी हुई थी, तो मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ किया, मैंने बोला ना इसको भी कुछ करते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ अप्लाई कर देते, तो मैंने वो सेलोटेप पेपर और यहाँ पर ग्लिटर्स वाला सेलोटेप जो है शाइनिंग वाला सेलोटेप लगा के यहाँ पर एक वो वाला फ्लावर्स लगा दिया। अब अच्छा लग रहा है ना, नाइस ना। अब बस दो ही बॉक्स बाकी बचे हैं, एक फ्रूट्स वाला है और एक मिठाई का डिब्बा बाकी बचा है। अब इस शूज़ को क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शूज़ जो है शिलेदर से लेकर आए थे, ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बेबी को भी अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उसकी भी पसंद का है, लेकिन वो ऑलमोस्ट मेरी पसंद का ही लेते हैं। हालांकि मुझे इतना कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है पसंद तो अब इंसान कर ही सकता है, और वैसे मेरी पसंद अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, इसलिए मैंने सोचा कॉन्फिडेंट रखते हुए मैं पसंद। अच्छा खैर अब मैं करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कि शूज़ निकाल के इसमें कवर करूँ या फिर इसको इस तरह से कुछ भी करके देखते हैं, लेकिन अब इतना बहुत टायर्ड हो गए हैं, घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:30 बजे, और आई एम वेरी रियली वेरी टायर्ड, सो मैं जल्दी से कुछ भी करके आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। मेरा इसमें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इसमें माथा पच्ची कुछ भी करूं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसमें एक सेलोफेन पेपर जो था मेरे पास सेलोफेन पेपर लगा लिया, दो साइड से सैटिन रिबन लगा ली, और मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे वो भी बना लिया। और पता है इसमें मैंने थर्माकोल की
बॉल जो है, बॉल डाली थी, लेकिन वो पता नहीं वो बॉल सारी कहाँ चली गई है। लेकिन ये फिर भी सिंपल में, डिसेंट में मुझे तो अच्छा लगा ओवरऑल पूरा माशाल्लाह से। अब बस दो चीज़ बाकी रह जाएगी, बस उसको भी तैयार करेंगे और फिर इंशाल्लाह पूरा आपको एक बार में दिखाएंगे। तब आपको कैसा लगेगा तब कमेंट्स करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एंड फाइनली गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ हो चुका है। एंड पूरे फुल डे काम करते करते मैं इतनी थक गई थी, मैंने अभी शावर ले लिया। अब सब लोग आ रहे हैं और फिर सब जाएंगे मेरे बेबी के घर पे। तो और यहाँ पर सब रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किए, और आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसा सब कुछ था, है ना। फाइनली थोड़ा थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ अभी। गाइज आप देख सकते हैं मेरी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है मैंगो बॉक्स एंड ये है पूरा खजला का आइटम, मतलब कह सकते हैं ईद वाला आइटम। एंड हेयर इज शूज, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पैकिंग मेरी सबसे अच्छी हुई है, आई थिंक इट्स माई ओपिनियन। एंड देन आफ्टर दिस, दिस इज द मेन्स किट एंड दिस वन इज ऑल्सो लुक गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हेयर इज द ड्राई फ्रूट्स आइटम, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। और ये है मेरा हैम्पर, फाइनली मुझे ना हैम्पर बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये सब एक्चुअली मैंने ना छोटे से सीखा है, मैं लॉटो में स्कूल्स के लिए बहुत कुछ मैंने अपनी नेबर के लिए बनाया था, सारे एक्टिविटीज जितने भी होते हैं सब कुछ खुद ही किया था मैंने। एंड आप देख सकते हैं ये कैसा हैम्पर लग रहा है। और ये है बेबी की ईदी, ये है ड्रेस, ये सब कुछ मैंने खुद से इंतजाम किया है। एंड ये है मिठाई, मिठाई तो बनती है ना, हर खुशी के मौके पे मिठाई बनती है, तो इसलिए ये है मिठाई। और यहाँ सबका गुस्सा ठंडा करने के लिए यहाँ पर है फ्रूट्स जूस नेस्कैफे, एंड लुकिंग सो गॉर्जियस। एंड यहाँ मेरा भाई आ गया, अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यारा भाई, ये जाएगा अपनी बहन की ईदी लेके, ये मेरा ट्रू ब्रदर है। सो यहाँ पर बैठे मेरे जीजू जो मोबाइल चला रहे हैं, हाय जीजू अस्सलाम वालेकुम, है ना, तो वो भी जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आप उठाइए भैया, इसको आप सर पे उठा के नीचे लेके जाइए, सर पे उठाइए, 10 मैक्सिमम 15 दिन लाइट रहेगा, 10 से 15 दिन। अब हम नीचे जाएंगे, हाँ अब चलिए नीचे, हाँ नहीं वो अहमद को नीचे रहने दिए। हाँ भैया संभाल के लेके जाइए, देखिए मैं सामान नहीं खा, ठीक ठीक है, सही से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बोले अपना के तरह काम करो। हाँ हाँ खान भाई आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, सही से जाइए। तो फाइनली सारा अब एक एक करके सामान जाता है आगे का प्रोसेस के लिए। आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग जरूर मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला मेरे सारे काम को खैर के साथ और सबकी दुआएं मेरे साथ हों, और इंशाल्लाह मेरा काम खैर और आफियत के साथ हो। प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो, मैंने तो कोशिश की है, अपने तरफ से एफर्ट दिया है, आई होप सबको पसंद आए, बेबी को पसंद आए। तो आज का मेरा ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि एक नए ब्लॉग के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।